हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हम लोग जो है समस्तीपुर से समस्तीपुर निकले हैं। थोड़ा सा एक पैरालिसिस मरीज था, उनको इलाज कराना है अपने चार चक्का के साथ। और ये मेरे साहिद भाई हैं, हम लोग जा रहे हैं और पैरालिसिस मरीज है उनको, तो हम लोग पूरा देखेंगे कि रास्ता कैसा है। और अभी तो हम गए नहीं है, पहली बार जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो रास्ता है। और हम पहुँच के पूरा वीडियो आपको पूरा दिखाएंगे, लोग पूरा बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे। और रोड पूरा खाली है और पूरा खाली रोड पर एकदम गाड़ी तो आ ही नहीं रही, बहुत कम गाड़ी चल रही है, लेकिन हरियाली काफ़ी अच्छी है और रोड भी भारत सरकार की बहुत अच्छी यहाँ पर है।
शराबबंदी रिश्ते को मिठास लाया है, बिछड़ों को पास लाया है। तो क्या आपके इधर शराब मिल रहा है कि नहीं, बताइए हमें। फाइनली हम लोग आधा रास्ता जो है कंप्लीट कर लिया है और समय जाएगा, उसका पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसको जाएंगे। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, बहुत गाड़ी आ रही है जा रही और बहुत अच्छा लोकेशन है। ट्रैवलिंग सभी को करना चाहिए, ट्रैवलिंग से हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। नए नए जगह पे जाना, नए तरीके के लोग को देखना, नए तरीका से जगह को देखना, बहुत चीज़ सीखने की मिलते हैं। तो हमें ट्रैवल करना चाहिए, जहाँ भी मौका मिले आप जल्दी जाया जाइए। फाइनली यहाँ पर जब मैंने ट्रक को देखा तो ट्रक के पीछे पूरा इसके घर का जितना भी कपड़ा था सारे कपड़े को पीछे लटकाए लिए थे। तो लग रहा है कि ये कपड़े को साफ भी नहीं किए हैं। चाचा जी बहुत स्पीड भी लग रहे हैं और बहुत स्पीड में ही चाचा जी यहाँ से निकल रहे हैं, पूरा फुल स्पीड में, और ना ही साइड दे रहे हैं, लेकिन लिखे हुए पूरे बुरा हो रहा है। तो पूरे जितने कपड़ा पीछे गए थे पूरा कपड़ा को पीछे से टांग लिए हुए हैं। चाचा जी को बोला जा रहा है फौरन दे रहे हैं साइड देने के लिए, नहीं सुन रहे चाचा जी, फिर देते आगे जाके दे रहे हैं कि नहीं। आगे जाते जाते फाइनली जो है चाचा जी को समझ में आया और इनको लास्ट में देना ही पड़ा। और हम लोग साइड से निकले और सीटी बजाते जा रहे थे, लेकिन शायद आगे जगह खाली नहीं थी इसलिए नहीं। फिर जो है और ये काका जी आओ काका नहीं सुना देते काका, फिर फाइनली जो है ये काका जी हमें साइड दिया। और साइड देने के बाद आगे एक और चार चक्का है जो पहले से ब्रेक मारने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे तो लगता है ये भी हुआ, ये भी चाचा जी जो है साइड दिए। और यहाँ से भी हम लोग आगे निकल गए, अपना आराम से आगे निकले। एक ट्रक लगी हुई थी वहाँ से भी हम लोग आगे निकले और फाइनली कुछ दूरी तय करने के बाद फिर हम लोग अपने डिस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। और ये फाइनली हम लोग पहुँच चुके हुए हैं जहाँ हमें पहुँचना था, हॉस्पिटल आड़िया होम्यू क्लिनिक में पहुँच चुके हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ रहती है, बहुत पैरालिसिस के मरीज यहाँ पर बहुत दूर दूर से इलाज करवाने आते हैं। और फाइनली आपको दिखाएंगे कि किस टाइप का हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में हम लोग इन करने के बाद फिर उसके बाद वहाँ से इलाज कराने के बाद फिर वहाँ से हम रिटर्न होंगे। फाइनली गेट के पास पहुँच चुके हैं और ये आड़िया होम्यो क्लिनिक का ये गेट है। और ये पूरा इसका इंटीरियर देखिए किस प्रकार से हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन इतना अंदर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा भीड़ काफ़ी देखने में रोचक है। और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भी है, भीड़ के साथ साथ काफ़ी मरीजी भी, पेशेंट भी है, और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग 4 घंटा के मेकअप के बाद हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं डॉक्टर बिलार्ड्स अकेडमी आड़िया होम्यो क्लिनिक, आड़िया होम्यो क्लिनिक हीरा लाल गुप्ता PSH उन्हीं के पास हीरा लाल गुप्ता। यहाँ पे गठिया का स्पेशलिस्ट रोग देखा जाता है और पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं।